गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का भी फिलहाल 5 बज चुके हैं और अभी हम टिटलागढ़ स्टेशन में घर से निकल चुके थे। इसके कारण आज हमको अहमदाबाद जाना पड़ रहा है, ड्यू टू उसका पैर टूट गया है तो एक्सीडेंट से। तो अभी फिलहाल निकल रहे हैं, सुबह निकले और 2 बजे घर से निकले और अभी फिलहाल टिटलागढ़ से फिलहाल अभी ट्रेन में, और इधर छोटू राम, इधर बिट्टू राम और भाभी जा रहे हैं हम लोग को, और सीट पे आ चुके हैं अभी फिलहाल बैठ के, अभी स्टेशन पार होने के बाद में। तो चलिए आज का ट्रैवल ब्लॉग भी देखते हैं, जैसा जो भी होगा आप सबसे शेयर करेंगे। जल्दी ठीक हो के आना है बिट्टू, ठीक है ना। 6 बज चुका है और मोरी बाग क्रॉस कर चुका है। अभी फिलहाल कटा मांझी आएगा, कटा मांझी देख सकते हैं। अभी सनराइज़ हम देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन सनराइज़ आज ट्रेन के सफ़र में। पहली बार ब्लॉग स्टार्ट करने से बाद में पहली बार हम लोग आज ट्रेन जर्नी कर रहे हैं, तो आप सबसे शेयर भी करते हैं कि ट्रेन का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। कटा मांझी स्टेशन पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा धूप आ चुका है। इधर छोटू राम और भाभी और बिट्टू सो चुके हैं, देखते हैं खरियार रोड के बाद में ही सोएंगे, जो भी नींद जैसे आएगा। और अभी फिलहाल देखते हैं सुबह का नज़ारा, का मौसम का नज़ारा लेते हुए। अभी नया पाड़ा क्रॉस कर रहे हैं और अभी खरियार रोड जाएंगे, तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट वहाँ पे अच्छा मिलता है, चाय भी अच्छा मिलता है, तो वहाँ पे चल के ब्रेकफास्ट और चाय करेंगे। अभी नया पाड़ा क्रॉस कर रहे हैं, बस निकल चुके हैं और सनराइज़ अभी तक तो लग रहा नहीं है, धुंध ही लग रहा है। धुंध तो नहीं, आसमान साफ है, मौसम एकदम। और तो चलो नया पारा को क्रॉस करते हुए और एक स्टेशन के बाद में फिर छत्तीसगढ़ में एंट्री कर लेंगे। छोटे राम रील बनाते हुए के नज़ारे देख सकते हैं। पहाड़ की चोटियों में एकदम मंदिर है, वहाँ पे फ्लैग लग रखा है और अभी बस रोपड़ा खरियार रोड सॉरी आने वाला है, तो नाश्ता लेंगे। जब नाश्ता लेके गाड़ी में चढ़ने के बाद में आप सबसे मिलते हैं। सभी सनराइज़ भी हो चुका है, आप देख सकते हैं सनराइज़ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है और अभी बस सडन एकदम से सनराइज़ नज़र आ गया, तो आप सबसे शेयर कर दिए, दिखा दिए। खरिया रोड में तो नाश्ता मिला नहीं, बहुत दूर था तो गए थे, फिर भी छोटू गया था लेने के लिए। और फिलहाल आज हम यहाँ का जो लोकल पूरी के ही मतलब पेंट्री में मिल गए हम लोग को, तो उन लोग बोले कि यहाँ का खाना अच्छा है सर, एक बार ट्राई करके देखिए, तो अभी फ़िलहाल मंगवाए हैं। मेरा और छोटू का ये है, भाभी और बिट्टू का भेज दिए हैं, और पेंट्री में बैठ के खाने का सौभाग्य मिला है। मस्त से सब अच्छी से फ्रेंडली नेचर टाइप में मिल गए हैं, तो बस देख रहा है भाभी का नेक्स्ट बोगी में, सागे वाले बोगी में बैठे हुए हैं उन लोग, तो हम दोनों का तो बस अभी मेरा और छोटू का हम लोग यहीं पे खाएंगे और वो दोनों का टिफिन हम भिजवा दिए हैं छोटू के हाथ में, तो आता है फिर दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लिए हैं। पेंट्री कार से लेके यहाँ पे पोहा है, इधर बड़ा है और उपमा है, और भाभी और बिट्टू के लिए हम भिजवा दिए हैं इडली और बड़ा। तो छोटू दोनों टेस्ट कर चुका है, कैसा है रिव्यू, चलेगा ना? मतलब पहली बार पेंट्री का खाना अच्छा लग रहा है, क्योंकि पूरी के सब कोई हैं, तो हमको भी बोला गया कि पूरी के सब हैं तो खा के देखिए करके, तो हम भी लिए हैं। इस बार पहली बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं पेंट्री का, देखते हैं लग तो रहा है सही है करके, टेस्ट करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। पोहा गुड, और उपमा भी बहुत सही है, अच्छा है। पहली बार पेंट्री का खाना बहुत ही अच्छा। महानदी कल सुबह के 11 बज चुके हैं। सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ा सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आया, अभी जस्ट नींद थोड़ा आ रहा है। 11 बज चुका है, तो चलिए थोड़ा नींद लेते हैं, फिर मिलते हैं आप सबसे, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर मिलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट। तो छोटे लाल भी ऊपर सोए हुए हैं, हम बीच में और नीचे बेटल, तो नींद नहीं आ रही है, नींद सोएंगे सोएंगे करके सोच रहे हैं, पर नींद तो आ ही नहीं रही है, तो देखते हैं जो भी जैसा होता है करते हैं। नागपुर स्टेशन आ चुके हैं, नागपुर स्टेशन आए और हल्दीराम ना गए तो कोई मतलब नहीं है, तो चलिए चलते हैं हल्दीराम में, देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो हल्दीराम के पास, और देखते हैं कुछ भी अगर मिलता है तो फिर ले कर चलते हैं। अभी एक फ़िलहाल फटाफट भेल लेकर आए हैं,
और ट्राई करते हैं। और इधर बिट्टू वही सेम द सेम साला पैर टूटा है फिर भी साला ट्रेन से देख नीचे उतर गए। तो अभी फिलहाल चलते हैं ट्रेन के ओर में और छोटू स्नैपचैट छोड़ते हुए और चलिए अभी ट्रेन में चलते हैं ट्रेन के ओर। और अपना सीट भी देख सकते हैं पूरा खाली है। नागपुर स्टेशन अभी फिलहाल पहुँच चुके हैं, हल्दीराम द फेमस नागपुर स्टेशन छोड़ चुके हैं। तो अभी तो अभी बिट्टू यहाँ पे सबसे मजे लेते हुए मस्त से देख सकते हैं आप कोई भी जा रहा है तो साइड में सर अच्छा है देखिए बाय बाय कर रहे हैं तो वो भी बाय बाय कर रहे हैं अगले। तो बस मजे करते हुए यही एक एंजॉय का मोमेंट रहता है अगर कोई साथ में अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स रहो तो। तो चलिए अभी नागपुर को बाय बाय करते हुए एक बहुत बड़ा जंक्शन बाय बाय नागपुर हमारे जितना है। ट्रेन में यहाँ पे चाय की चुस्की कॉफ़ी चाय तो नहीं कॉफ़ी का चुस्की लेते हुए अच्छा बना रखें पहली बार तो देखते हैं ये चीज़ कॉफ़ी का टेस्ट भी करते हैं कैसा बन जाता है। डिनर पूरी लहसुन की चटनी मिर्ची की चटनी गाजर का अचार मिर्चर प्याज और बिट्टू और भाभी भी इधर छोटू नहीं खा रहा है। और चलिए पहले अच्छा बहुत टेस्टी है खाना तो खा के फिर आप सबसे मिलते हैं। फिलहाल आज का डिनर हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं हाथ मुंह धोने के बाद में अभी चलते हैं और डिनर कर चुके हैं। तो बस डिनर हो चुका है और अभी हम चल रहे हैं तो बस सोने के लिए रेडी हो रहे हैं और बस बाय बाय गुड नाइट। आई होप आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए। आज कुछ ऐसा था नहीं ट्रेन में बोरिंग डे था तो आप लोग से शेयर कर चुके हैं वो भी। और ये दोनों बंदर को देख सकते हैं आप देखिए इसका काम ही यही है। सो बाय बाय गुड नाइट हैव अ गुड डे जय श्री राम जय बागेश्वर बालाजी हर हर महादेव।